जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। एक बहुत ही आज एक अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूं। किसी बड़े साउंड में आपने देखा होगा कि वो आउटर जो साउंड सिस्टम है उसको कैलिब्रेट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, उसमें साउंड बैलेंस करते हैं। जैसे हम कोई शो चालू है उसके बाद हम उसमें मीड शार्प लो सब हम एडजस्ट करते हैं, तो मशीन के थ्रू यानी टेक्निकली हमें उसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए इक्विलाइजर और पिंक नॉइज। देखिए, YouTube में पिंक नॉइज बहुत सारे ऑडियो में आपको मिल जाएंगे कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी का एक साउंड है पिंक नॉइज, जिसमें हर एक फ्रिक्वेंसी एक ही वॉल्यूम से बजाई जाती है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की सारी फ्रीक्वेंसी एक ही वॉल्यूम में बजाई जाती है, उसे कहते हैं पिंक नॉइज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास किसी भी कंपनी के स्पीकर हो, चाहे ब्रांडेड हो चाहे अनब्रांडेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ये नॉलेज है, आप अगर ये करते हैं तो आपका साउंड भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आउटपुट को बैलेंस कर सकते हैं, उसको अच्छे से ट्यून कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। क्या करना है आपको, एक चैनल से सारे इक्विलाइजर को फ्लैट करके यानी 0000 करके पिंक नॉइज को बजाना है आउटपुट में। आउटपुट में आप पिंक नॉइज को बजाएंगे और बाद में आरटीए आपके पास माइक है तो ठीक है, वरना फिर आप RTA की एप्लीकेशंस, मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था, किसी भी RTA की एप्लीकेशन को, जैसे कि मेरे पास RTA एनालाइजर ये है, उसमें आपको वो पिंक नॉइज इसमें बजाना है। तो इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जैसे इसमें हाइज आपको उठती हुई दिखाई देगी, तो ये लो उठती हुई दिखाई देगी। इस तरह से जो भी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा लग रही है उस साउंड में, इक्विलाइजर में जाइए, उस साउंड को कम कीजिए। जो साउंड आपको इस मशीन में बहुत कम लग रहा है उसको बढ़ाइए, जो बढ़ रहा है उसको घटाइए, और इस जो ग्राफ इसमें आपको दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करिए। हो सकता है बिल्कुल सीधा ना हो, अपने स्पीकर के हिसाब से भी नहीं हो सकता काफी बार, तो आप देखिए कि कैसे इस एप्लीकेशन के थ्रू और पिंक नॉइज बचा के आप इस ग्राफ को बिल्कुल सीधा करेंगे। कैसे, यहां पे फ्रीक्वेंसी में लिखा होगा हर्ट्ज नीचे, तो इक्विलाइजर में भी लिखा होगा हर्ट्ज, तो आपको क्या करना है, पिंक नॉइज चालू रखना है और उसमें जाके फिर इक्विलाइजर को थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर सुनना है, फिर देखना है फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम करनी है। और हाँ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको बेस ज्यादा चाहिए तो उसमें आप बेस बढ़ा दीजिए, और अगर HF चाहिए तो HF, जो भी आपको सेट करना, लेकिन पहले पहले आप सारे फ्रीक्वेंसी को फ्लैट कर सकते हैं इतने इजीली। आपने बड़े बड़े सेटअप में देखा होगा कि पिंक नॉइज की आवाज उसमें आपको सुनाई देती होगी सेटिंग के समय। मैं यहां भी आवाज डाल रहा हूं पिंक नॉइज की, देखिए ये आवाज पिंक नॉइज की है, सुनिए। बजाएंगे और इस एप्लीकेशन से आप ग्राउंड में जाके जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज आपको कम लग रही है उसको बढ़ाएंगे, जिसकी ज्यादा लग रही है उसको घटाएंगे, और उसको सीधा एकदम फ्लैट करेंगे आउटपुट में, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी एक ही वॉल्यूम में आपके आउटपुट में आएगी। इस तरह से क्या होगा, जैसे आप सारा तबला वगैरह जो भी आपका म्यूजिक शो है, गरबा है या फिर व्हाटएवर म्यूजिक शो है, इंस्ट्रूमेंटल है, बाद में आप मिक्सर से जो भी आउटपुट देंगे वो बिल्कुल सही बजेगा। देखिए, ये हर कोई साउंड वाला आपको नहीं सिखाएगा, बहुत सी फीस देकर भी ये आप नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिस करिए, आपको जरूरत है सिर्फ एक इक्विलाइजर की और जरूरत है एक एप्लीकेशन की जो फ्री है, तो इससे आप अपने साउंड को एग्जैक्ट बैलेंस करके आउटपुट में ले सकते हैं। काफी ऐसे भी तरीके हैं, कोई गाना बजा के भी कोई सेट करता है, लेकिन गाने में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी बूस्ट करके बजाते हैं वो,
जो भी म्यूजिशियन है या जो भी रिकॉर्डिस्ट है उसको कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर रहता है, लेकिन पिंक नॉइज आप बजा के आपके आउटपुट को आप सेट करेंगे तो आपको बैलेंस में बहुत मजा आने वाला है। आप करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और अच्छा नॉलेज है आपके लिए। आप एक बार करके देखिए, आपको मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में आपको आराम से एक आउटपुट सेट कर लेंगे और बाद में आप जो भी बजाएंगे, स्पीकर चाहे किसी भी कंपनी के हो, आउटपुट आपका बहुत अच्छा बजने वाला है। तो ये आपके लिए आज बहुत ही बढ़िया नॉलेज। भारत माता की जय।